इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच दोस्तों खेले जाने वाला है हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में। और अगर आप लोग इस मैच के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए अपनी लिए एक बेहतरीन टीम बनाने की सोच रहे हो ना दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिकॉज इस वीडियो पे आप लोगों के साथ एक एक प्लेयर के स्टैट्स के बारे में डिस्कस करूंगा उनके रीसेंट फॉर्म को। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स आप लोगों के लिए नए प्लेयर्स होंगे, तो उनके स्टैट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से प्लेयर आप लोगों के लिए जिम्बाब्वे के लाइनअप पे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। मैच एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो चांसेस पूरे हाई है कि इंडिया इस मैच को इजिली जीत लेगी। तो किस हिसाब से आप लोगों ने जिम्बाब्वे के प्लेयर को चूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है। और इंडियन टीम से कौन से प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बनाना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं दोस्तों, और आप लोग अपने लिए एक बेहतरीन डिफरेंशियल टीम बना सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फ्री पे 1,00,000 रुपए का कैश अवार्ड विन कर सकते हो, जिसके लिए वीडियो के दौरान पूछे गए 2 क्वेश्चंस के आप लोगों ने सही जवाब देने हैं। और अगर आप लोगों का सपना है कि आप लोगों के पास भी एक बड़ी एसयूवी कार हो, तो ये वीडियो आप लोगों के उस सपने को भी पूरा कर सकता है। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, और हरारे स्पोर्ट्स क्लब का पिच कैसे बिहेव करने वाला है। ओके, अगर आप लोग देखोगे दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड को, तो इंडिया और जिम्बाब्वे ने अभी तक टोटल 63 मैचेस खेले हैं। इन 63 मैचेस में से इंडिया ने 51 मैचेस विन किए हैं, जिम्बाब्वे ने 10 मैच विन किए हैं और 2 मैच यहां पर ड्रॉ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चांसेस हाई है इंडिया के जीतने के, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वेन्यू की मैं आप लोगों से बात करूं कि वेन्यू का पिच कैसे बिहेव करने वाला है, तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में रिसेंटली 3 ODI मैच जो खेले गए थे, अभी बिल्कुल रिसेंटली अगस्त में ही खेले गए हैं, उन पे क्या रिव्यू रहा था। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में जो 3 ODI मैच खेले गए थे दोस्तों, पहले मैच में बांग्लादेश ने 303 रन बनाए थे और जिम्बाब्वे ने उस 303 रन को चेस कर लिए थे। सेकेंड मैच में बांग्लादेश ने 290 रन बनाए थे और जिम्बाब्वे की टीम ने 290 रन को भी चेस कर लिया था और सिर्फ 5 विकेट गिरे थे। थर्ड वनडे इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश ने 256 रन बनाए थे बट जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 151 रन ही बना पाई थी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में ना जिम्बाब्वे पहले 2 मैच को जीत के सीरीज जीत चुकी थी। अगर विकेट्स की यहां बात करो तो टोटल 40 विकेट गिरे थे मैच में, जिसमें से कि 19 विकेट पेसर को मिले थे, स्पिनर को 15 विकेट मिले थे और 9 यहां पर रन आउट हुए। इसका मतलब क्या है, पेसर के पास भी एडवांटेज है इस पिच पे, स्पिनर को भी यहां पर अच्छे खासे विकेट्स मिल सकते हैं। तो जो पिच का रिव्यू है वो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, तो जो 164 मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं ना, 78 मैच जीते हैं जिस टीम ने पहले बैटिंग करा है और चेस करते हुए यहां पर 84 मैच जीते गए हैं। अगर इंडिया की टीम यहां पर टॉस जीतती है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की टीम यहां पर बैटिंग करना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि इंडियन चाहेगी कि उसके सारे बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी मिले और 50 ओवर खेलने को मिले। जिम्बाब्वे की टीम यहां पर अगर जीतती है तो शायद जिम्बाब्वे की टीम यहां पर चेस करना पसंद कर सकती है। तो चांसेस हाई है कि यहां पर इंडियन टीम ही आप लोगों को फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए दिखे, क्योंकि दोनों कंडीशंस पे इंडियन टीम के ही बैटिंग करने के चांसेस हाई लग रहे हैं। पिच के बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो एज पर लेटेस्ट ODI विच इज प्लेड बिटवीन बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे, जो कि रिसेंटली यहां पर बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में जो ये 3 ODI हुए है ना, इस ODI के स्टैट्स को देखते हुए ये पिच बैट्समैन फ्रेंडली पिच है। आप लोग देख रहे हैं हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और वो भी चेज हो रहे हैं। सेकेंड, यहां पर पेसर और स्पिनर दोनों को एडवांटेज है, तो एक बैलेंस्ड पिच मिलेगा आप सभी लोगों को इस मैच के लिए। तो एक बेहतरीन मैच होने की उम्मीद है और होपफुली आप में से कोई एक मेगा ग्रैंड लीग भी यहां पर विन कर सकता है।
चलिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया पिच कैसे बिहेव करने वाला है। अब देखते हैं दोनों टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर जिम्बाब्वे के पॉसिबल प्लेइंग 11 की आप लोगों से बात करूं तो यहां पर रेगिस चेकअप ग्वावा और टाडी वांशे मारुमानी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आप लोगों को। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं इनोसेंट काया, उसके बाद आते हैं आप लोगों के टकुट वांशे कैटानो, उसके बाद आते हैं विजली माधवरे, फिर आप लोगों को दिखेंगे सिकंदर राजा, उसके बाद रियान बर्ड, लूक जोंगवी, डोनाल्ड ट्रिपानो, विक्टर नायुची और रिचर्ड नगरवा। ये जिम्बाब्वे की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। इंडियन टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो यहां पर केएल राहुल और शिखर धवन आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे ईशान किशन या शुभम गिल, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, अक्षय पटेल, मोहम्मद शिराज, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव दिखेंगे आप लोगों को। ये इंडियन टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो और अगर तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसे क्लिक करके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिलेगा मेरा पर्सनल टीम, जिस टीम के साथ मैं खेलता हूं फैंटेसी क्रिकेट, विद एग्जैक्ट 11 प्लेइंग 11 जो मेरे टीम के होंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। बाकी लोगों की तरह ये नहीं होगा कि ये कैप्टन वो कैप्टन, इसे रोटेट कर दो वो रोटेट कर दो। फिक्स टीम मिलेगी, वन टाइम टीम मिलेगी और आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट भी ला कर देगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग पे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों का भी सपना है एक बहुत बड़ी एसयूवी कार, तो माई 11 सर्कल ऐप आप लोगों के सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों इस मैच पे आप लोग जीत सकते हो महिंद्रा थार। बहुत कम कंपटीशन है दोस्तों माय 11 सर्कल ऐप पर। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, मिस मत करो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो, क्योंकि इतने कम कंपटीशन पे आप लोगों को इतना बड़ा अमाउंट और साथ ही साथ महिंद्रा थार मेरे हिसाब से बाकी किसी ऐप के लिए इम्पॉसिबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड करना। क्यों? क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के लिंक के थ्रू आप लोग ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को मिलता है 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस। ये बोनस लेटर ऑन आप लोग यूटिलाइज भी कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ आप लोगों को 20% एक्स्ट्रा रियल कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट मिलता है। किसी भी ऐप में आप लोगों को ये नहीं मिलता है। 5% 6% मिलेगा, यहां पर सीधा सीधा 20%। मतलब अगर 1,00,000 रुपए डालते हो तो 1,00,000 कितने हो जाते हैं? 1,20,000 हो जाते हैं। 1,20,000 से खेलो और जीतो, मिस मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, चलिए अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन से। विकेट कीपर वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को जिम्बाब्वे के टीम पर दिखेंगे रेगिस चकबावा और इंडियन टीम पर दिखेंगे ईशान किशन और संजू सैमसन। रेगिस चकबावा की बात करूं तो ये ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने यहां पर सेंचुरी बनाई थी, 102 रन की पारी खेली थी ओडीआई। उससे पहले देखोगे तो 1, 0, 15 और 2 रन बनाए। 55 मैच 21 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 102 का है, 50 चार बार बना चुके हैं और सेंचुरी एक बार बना चुके हैं। 16 मैच 461 रन है इनका वेन्यू पे, और इसी वेन्यू पे इन्होंने बेस्ट स्कोर 102 रन का भी बनाया। इनिशियली क्योंकि ओपनिंग पे करने आते हैं ना तो बैटिंग करना थोड़ा सा टफ रहता है इनके लिए, नई बॉल होती है आप सभी लोगों को पता है, और नई बॉल क्या होती है, ज्यादा मूवमेंट करती है। मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट को हैंडल कर पाना इनिशियली मुश्किल हो सकता है, इस बात को नोट डाउन करते हैं। ईशान किशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं, लास्ट 3 ओडीआई में 59, 1 और 28 रन इन्होंने बनाए हैं। 3 मैच 29 का इनका एवरेज है, 59 बेस्ट स्कोर है, 50 एक बार बना चुका है।
संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 46 और 54 रन इन्होंने बनाए हैं, 12 और 6 दो बार फ्लॉप हुए हैं, 4 मैच 39 का इनका एवरेज है, 54 बेस्ट स्कोर है, 50 एक बार बना चुके हैं। आप लोग ईशान किशन और संजू सैमसन में से किसी एक प्लेयर ईशान किशन को लेकर चल सकते हो अपनी टीम में। संजू सैमसन थोड़ा नीचे खेलने आते हैं, थर्ड डाउन पोजीशन पे आते हैं, बट मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से संजू सैमसन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को संजू सैमसन यहां पर अगर विकेट कीपिंग करते हुए दिखते हैं तो पॉइंट्स कहां मिलने वाले हैं? संजू सैमसन को मिलने वाले हैं। बट वैसे तो दोनों ही प्रोफेशनल विकेट कीपर्स है, इस बात को भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? तो ज्यादा चांसेस ईशान किशन के लग रहे हैं मुझे कि अच्छा करेगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आता है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी रह सकता है, अगर पहला विकेट जल्दी गिरता है पावर प्ले पे आके खेलता है तो अच्छा कर सकता है। संजू सैमसन के भी अच्छे खासे चांसेस हैं, बट प्रायोरिटी ईशान किशन को रहेगी। संजू सैमसन को भी आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई कर सकते हो। बैटिंग वाले सेक्शन पे आते हैं दोस्तों, अगर बैटिंग वाले सेक्शन पे आए तो बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को जिम्बाब्वे के सेक्शन पे टाडी वांछे मारुमानी दिखेंगे ओपनिंग करते हुए रजिस चकबाबा के साथ। लास्ट 5 मैच का रिकॉर्ड देखोगे तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, 5 मैच 9 का ही एवरेज है, 25 रन बेस्ट स्कोर है, आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। इनोसेंट काया की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं, ठीक है? लास्ट 5 मैच का रिकॉर्ड देखोगे तो 63-110, 16 फ्लॉप 7 फ्लॉप 10 फ्लॉप, 6 मैच 40 का इनका एवरेज है, ठीक है? ये थोड़े से ठीक ठाक प्लेयर है इनोसेंट काया, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इस बात को नोट डाउन करके। टकुड वांशी कल्टानो की अगर मैं बात करूं तो सेकंड डाउन पोजीशन पे आते हैं, 42-26-19-0-0, 5 मैच 17 का इनका एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच पे 0 रन है, डकी आउट हुए थे लास्ट के दोनों मैच, ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टकुड वांशी कल्टानो। रियान बॉल की अगर मैं बात करूं तो 28 मैच 21 का इनका एवरेज है, 9 विकेट भी है इनके पास, यहां देखो तो ठीक ठाक पारी थी, यहां ठीक ठाक पारी थी, यहां ठीक ठाक पारी, मतलब अगर बैटिंग वाले सेक्शन से जिम्बाब्वे के एक प्लेयर को आप लोगों ने पिक करना होगा तो मेरे हिसाब से रियान बॉर्ल आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट पिक प्लेयर बन सकता है। नोट डाउन करके रखना दोस्तों, मोस्टली टॉप ऑर्डर्स को लेकर चलते हैं, बट रियान बॉर्ल बैटिंग पे भी 28 मैच में 21 का एवरेज है और 9 विकेट भी है उसके पास, ठीक है? इंपॉर्टेंट पिक प्लेयर बन सकता है, मतलब इनोसेंट काया और रियान बॉर बैटिंग वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। इंडियन बैटिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग देखोगे केएल राहुल और शिखर धवन आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक है? केएल राहुल को देखोगे तो यहां पर 55 रन 49 रन 42 मैच 46 का एवरेज है, 112 बेस्ट स्कोर है, 50-10-12 है, मतलब पिक करके चलना ही है। शिखर धवन की अगर मैं बात करूं तो शिखर धवन को भी आप लोगों ने पिक करके ही चलना है। हाँ, अब शुभम गिल की अगर मैं बात करूं तो ये फिर हमारे मेगा ग्रैंड लीग के प्लेयर हो सकते हैं, मतलब आप लोग ऐसा कर सकते हो कि देखो केएल राहुल को भी ले लो, शिखर धवन को भी ले लो और एक प्लेयर यहां पर ईशान किशन, सॉरी अगर लेते हो आप लोग विकेट कीपर वाले सेक्शन से, ईशान किशन लेते हो विकेट कीपर वाले सेक्शन से, तो यहां पर आप लोग जिम्बाब्वे के एक प्लेयर को ले सकते हो, और ईशान किशन ऊपर नहीं लेते हो विकेट कीपर वाले सेक्शन पे तो यहां पर आप लोग शुभम गिल को ट्राई कर सकते हो, और ईशान किशन के बदले किसे लोगे ऊपर? संजू सैमसन को लेकर चलोगे उस कंडीशन पे, समझ रहे हो ना? अगर ऊपर आप लोगों के पास संजू सैमसन है तो संजू सैमसन, केएल राहुल, शिखर धवन और शुभम गिल हो सकते हैं। ऊपर आप लोगों के पास ईशान किशन है तो ईशान किशन, केएल राहुल और आप लोगों के पास शिखर धवन हो सकते हैं, उस केस में आप लोग यहां से शुभम गिल को ड्रॉप कर सकते हो, मतलब ये प्लेयर आप लोगों के लिए डिफरेंशियल प्लेयर होंगे, ये दोनों प्लेयर आप लोगों के लिए फिक्स प्लेयर होंगे। और यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों के पास इनोसेंट काया और रियान बॉर्ल, ये दो ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के लिए जिम्बाब्वे के टीम से, क्योंकि दोनों प्लेयर मेरे हिसाब से, मैंने इन्हें खेलते हुए देखा है तो अच्छे प्लेयर्स हैं, ये आप लोगों के लिए एक सेक्शन बन सकता है बैटिंग वाला सेक्शन, लिंक करना पड़ेगा आप लोगों को विकेट कीपर वाले सेक्शन से।
रगिस चकबाबा की बात करूं तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है, तो डिफरेंशियली उसे भी ट्राई किया जा सकता है मेगा ग्रैंड लीग के लिए। जिम्बाब्वे की टीम से हम लोग कोशिश करेंगे चार प्लेयर लेने की। मैं आप लोगों को यहां पर पांच प्लेयर छह प्लेयर बता दूंगा, उन्हीं छह प्लेयर में से आप लोगों को चार प्लेयर दिखेंगे। रगिस चकबाबा हो गया एक आप लोगों के पास, एक आप लोगों के पास इनोसेंट काया हो गया, एक आप लोगों के पास रियान बॉर्ल हो गया अभी तक के टाइम पे, जो कि अच्छे प्लेयर है जिम्बाब्वे की टीम के। ओके, अब आ जाओ दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले गिव अवे का क्वेश्चन सुन लो, फिर आप सब इंतजार करें। गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज के इस मैच का कैप्टन कौन बनने वाला है। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कैप्टन का कंटेंडर कौन है, उसके कितने पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, आप लोगों ने मुझे बताना कि इस मैच पे टोटल कितने विकेट्स आउट होंगे गिरेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस के अगर एग्जैक्ट सही जवाब दे देते हो तो आप लोग ₹1,00,000 तक का कैश अवार्ड विन कर सकते हो। साथ ही साथ माय 11 सर्कल ऐप पर खेल कर आप लोग क्या कर सकते हो, महिंद्रा थार और एक बहुत बड़ा अमाउंट भी विन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है, आपको पक्का से डाल देगा। ओके, ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को विजली माधवरे दिखते हैं और साथ में दिखते हैं सिकंदर राजा। सिकंदर राजा बहुत सुपर इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिम्बाब्वे लाइनअप पे। यहां अच्छा परफॉर्मेंस है, यहां ठीक ठाक है, यहां बेहतरीन है, यहां बेहतरीन है, यहां पर चलो इतना ठीक नहीं रहा। 117 मैच 37 का इनका एवरेज है, 68 विकेट है, 50-20 बार बना चुके हैं और सेंचुरी 5 बार बना चुके हैं। मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों। इनफैक्ट बाई चांस अगर जिम्बाब्वे की टीम अच्छी कर जाती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर बन जाते हैं। अगर जिम्बाब्वे की टीम अच्छी कर जाती है तो वीसी ट्राई किया जा सकता है, रिस्क टेकर इन्हें एज अ वाइस कैप्टन लेकर ट्राई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इनके स्टैट्स बहुत ही शानदार। तो एक मस्ट पिक प्लेयर आप लोगों के लिए बन जाता है सिकंदर राजा। विजली माधवरे की अगर मैं बात करूं तो यहां फ्लॉप रहे हैं, यहां फ्लॉप रहे हैं, यहां फ्लॉप रहे हैं, यहां ठीक ठाक था, यहां भी फ्लॉप रहे हैं। इतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, 20 मैच 21 का इनका एवरेज है, 9 विकेट है, 50-2-3 बार बनाए हैं, बट रीसेंट फॉर्म विजली माधवरे का उतना अच्छा नहीं है। प्लेयर अच्छे हैं ये, बट रीसेंट फॉर्म खराब है, इस बात को ध्यान रखना। तो सिकंदर राजा तो एक फिक्स प्लेयर हो ही गया आप लोगों। इंडियन लाइनअप पे अगर आप लोग देखोगे तो दीपक हुड्डा को देखो, दीपक हुड्डा को देखोगे तो यहां 26 रन 9 विकेट तो फ्लॉप, यहां पर ठीक रहे हैं, यहां पर फिर फ्लॉप रहे हैं, यहां पर ठीक रहे हैं, यहां पर बैटिंग ही नहीं आया तो फ्लॉप ही रहे। अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल को देखो, यहां एक विकेट मिला है, फिर यहां पर 64 रन और एक विकेट है, फिर यहां पर एक विकेट है, 21 रन यहां विकेटलेस गए थे। मतलब दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल में से किसी एक को ट्राई किया जा सकता है यहां, ठीक है। मतलब आप लोगों ने सिकंदर राजा को लेकर चलना है, प्लस यहां से आप लोग दीपक हुड्डा और अक्षय पटेल के बीच में डिफरेंशियल बना देना ऐसे, क्लियर। क्योंकि मुझे लगता नहीं इंडिया के टीम के ज्यादा विकेट जाने चाहिए और इन्हें बैटिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्लियर। तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन काफी सिंपल सेक्शन। तो अभी तक अगर आप लोग बात करोगे जिम्बाब्वे के टीम के प्लेयर के, तो कितने प्लेयर ऐसे रहे जिन्हें हम लोग अपने टीम पर लेकर चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। सिकंदर राजा मैंने आप लोगों को बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनोसेंट काया और रियान बॉर बैटिंग वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, और रगिस चकबाबा आप लोगों को विकेट कीपर वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। तो टोटल चार प्लेयर हैं जो कि अभी तक इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आ रहे हैं जिम्बाब्वे की टीम से। इंडियन टीम के मोस्टली प्लेयर आप लोगों को पता ही है, वहां पर बस आप लोगों ने डिफरेंशियली प्लेयर को फिक्स करना है, बाकी आप लोगों को प्लेयर के स्टैट्स और सब कुछ आप लोगों को क्लैरिटी है। फोकस जिम्बाब्वे की तरफ करना है कि कौन से प्लेयर को रखना है, कौन से को नहीं रखना है। अब आ जाओ दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को जिम्बाब्वे के टीम से चार बॉलर्स खेलते हुए दिखेंगे। ल्यूक जोंगबी डेथ पे बॉलिंग करने आते हैं, 31 मैच में 35 विकेट है इनके पास। डोनाल्ड ट्रिपानो की अगर मैं बात करूं तो ये भी डेथ पे बॉलिंग करने आते हैं, 38 मैच में 36 विकेट है इनके पास।
विक्टर नायुची की अगर मैं बात करूं तो तीन ही मैच खेले हैं अभी तक, इनके पास दो विकेट हैं। और रिचर्ड नगरवा की अगर मैं बात करूं तो 22 मैच में इनके पास 24 विकेट हैं। इंडियन लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो इंडियन लाइनअप में आप लोगों को मोहम्मद शिराज दिखेंगे ओपन और डेथ करते हुए, 8 मैच पे 11 विकेट है। दीपक चहर 7 मैच पे 10 विकेट है। शार्दुल ठाकुर 22 मैच पे 32 विकेट है। कुलदीप यादव 66 मैच पे 109 विकेट है। करना क्या है, इंडियन टीम के सारे बॉलर्स लेकर चलना है, मोहम्मद शिराज को लेकर चलना है, दीपक चहर को लेकर चलना है, शार्दुल ठाकुर को लेकर चलना है और कुलदीप यादव को भी लेकर चलना है। मतलब इंडियन टीम के आप लोगों ने सारे चारों के चारों बॉलर्स को लेकर चलना है अपने। तो हम लोगों के पास टीम कैसा बन सकता है, देखो एक अगर विकेट कीपर वाले सेक्शन पे है, 3 बैटिंग वाले सेक्शन पर है, 2 ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे है, 4 बॉलिंग वाले सेक्शन पे है, तो कितने प्लेयर बन गए, 4, 2, 8, 10 प्लेयर हो गए। तो आप लोग चाहो तो 2 यहां पर कर सकते हो, 2 प्लेयर यहां पर कर सकते हो। अगर आप लोग विकेट कीपर वाले सेक्शन से रेगिस चेकअप बाबा को नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर बॉलिंग वाले सेक्शन से एक प्लेयर को ले सकते हो जिम्बाब्वे के टीम से। कौन सा वो प्लेयर बन सकता है, वो प्लेयर दोस्तों आप लोगों के लिए या तो ल्यूक जोंगवी होगा या डोनाल्ड ट्रिपानो होगा। ये दो प्लेयर पोटेंशियल प्लेयर है जिन्हें विकेट मिल सकते हैं क्योंकि दोनों डेथ के बॉलर है और डेथ पे टीम अगर हिट करने जाती है तो हो सकता है 2 विकेट मिल जाए इन दोनों में से किसी एक। क्लियर, तो इस तरह से आप लोग अपने लिए इस मैच पे टीम क्रिएट कर सकते हैं। एक बार प्लेइंग 11 पे जाते हैं, नहीं प्लेइंग 11 पे रहने दो, कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप लोगों से डिस्कस करूं तो कौन हो सकते हैं। जिम्बाब्वे की टीम से मैंने आप लोगों को बता दिया कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर। इंडियन टीम से दोस्तों आप लोगों के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर, एक तो देखो केएल राहुल हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर, या साथ में शिखर धवन हो सकता है। इन दोनों को ट्राई करना, इन दोनों को डिफरेंशियली किसी टीम पे केएल राहुल को ट्राई करना, किसी टीम पे शिखर धवन को ट्राई करना। सिकंदर राजा आप लोगों के लिए जिम्बाब्वे वाले साइड से एक अच्छा प्लेयर बन सकता है जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बन सकता है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन से अगर आप लोग बात करोगे तो बॉलिंग वाले सेक्शन से आप लोगों के लिए मोहम्मद शिराज और शार्दुल ठाकुर इंपॉर्टेंट कंटेंडर बन सकते हैं। इनफैक्ट कुलदीप यादव भी यहां पर आप लोगों के लिए पंट पिक प्लेयर बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम कुलदीप यादव के सामने भी स्ट्रगल कर सकती है, इस बात को नोट डाउन करके रखना। ओके दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर आप लोग दो टीम देखोगे जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है तो यहां पर देखो क्या क्या है। रेगिस चेकअप बाबा है आप लोगों के पास, ठीक है। मैं इस टीम पे थोड़े से चेंजेस भी आप लोगों को बताता हूं। ईशान किशन है आप लोगों के पास, शिखर धवन है, केएल राहुल है आप लोगों के पास, इनोसेंट काया है, यहां पर भी इनोसेंट काया है ना, तो यहां पर इनोसेंट काया को आप लोग हटा दो यहां, और यहां पर किसे ले लो आप लोग, ले लो रियान बर्न को। अच्छा, एस राजा यहां पर है आप लोगों के पास, और यहां पर आप लोगों के पास चारों बॉलर्स हैं, और यहां पर एल जोंगवी है आप लोगों के पास, यहां पर एस राजा है, ठीक है, और यहां पर आप लोगों के पास चारों बॉलर्स हैं, और यहां पर आप लोगों के पास विजले माधवरे है। आप लोग ना विजले माधवरे को यहां से हटा दो, ठीक है, विजले माधवरे को यहां से हटा दो आप लोग, और इसके बदले आप लोग चाहो तो यहां पर एक प्लेयर किसे रख सकते हो, आप लोग एल जोंगवी को ट्राई कर सकते हो, यहां पर जो मैंने दो डिफरेंशियल प्लेयर बताए वो यहां पर आप लोग ट्राई कर सकते हो, और यहां पर ना 3 पेसर में से 2 पेसर को रखकर एक यहां पर आप लोग दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल को ट्राई कर सकते हो। क्लियर, इस बात को नोट डाउन करके रखना। तो इस तरह से आप लोग अपने लिए टीम बना सकते हो, और यही कॉम्बिनेशन आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग पे भी देखने वाला है, तो मिस मत करना। सभी के सभी लोग वीडियो को यहां तक देखा है तो एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक पक्का से कर दो दोस्तों। आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसे और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन सारे कंटेंट मैंने डिस्कस कर लिया, जी हाँ दोस्तों। माई 11 सर्कल ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया, वीडियो के बीच में बताया, वीडियो के एंड पे भी बता रहा हूं। डाउनलोड नहीं किया है तुरंत जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ऐप का लिंक है, ऐप के लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लो।
महिंद्रा थार जीत सकते हो, साथ ही साथ बहुत बड़ा अमाउंट है फर्स्ट विनिंग अमाउंट, उसे भी जीत सकते हो, और ऐप पर फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% रियल कैश का फायदा उठाकर अपने वॉलेट पे 20% एक्स्ट्रा कैश भी डाल सकते हो। बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा ₹1500 का अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो में, होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टीम इंडिया को इस मैच के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, होपफुली टीम इंडिया और आप सभी लोग बहुत अच्छा विन करके आओगे। धन्यवाद दोस्तों। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर